ऑक्शन टेबल 2024 की तारीख बिल्कुल नजदीक आ चुकी है, यानी कि कल खिलाड़ियों की मंडी 19 दिसंबर 2023 को पहली बार भारत से बाहर सजेगी और यहां पर बड़े बड़े खिलाड़ियों की किस्मत खुलने वाली। अगर हम बात करें आईपीएल 2024 की, तो यहां पर बहुत बड़े बड़े कारनामे होते हुए हम देख चुके हैं इस महासंग्राम के शुरू होने से पहले। सबसे पहले तो हार्दिक पांड्या का ट्रेड हुआ, फिर मुंबई इंडियंस की कप्तानी बदली, कैमरून ग्रीन का ट्रेड हुआ, बड़े बड़े खिलाड़ियों को रिलीज किया गया। तो ये जो मिनी ऑक्शन है वो मिनी ऑक्शन न रहकर अब एक तरीके का मेगा ऑक्शन हो चुका है, जहां पर बहुत बड़े बड़े लूपहोल्स जो टीमें रिलीज खिलाड़ियों के कारण अपनी टीम में छोड़ चुकी हैं, उन लूपहोल्स को भरने का प्रयास करेंगे। और आपको भी पता है कि कोई भी टीम सबसे पहले कंगारू खिलाड़ियों पर दाव खेलती है, क्योंकि ये जो खिलाड़ी होते हैं वो जुझारू खिलाड़ी होते हैं, मैच विजेता खिलाड़ी होते हैं, और इन खिलाड़ियों में दमखम होता है कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे प्रदर्शन करना है। और अपने इस रिपोर्ट में हम देखने वाले हैं कि वो कौन से 5 कंगारू खिलाड़ी हैं जो कि इस ऑक्शन टेबल पर खूब सारा पैसा लेकर जाने वाले हैं, और ये भी देखने और समझने का प्रयास करेंगे कि किन कंगारू खिलाड़ियों के हाथों निराशा भी लगने वाली है। तो आप इस रिपोर्ट में बने रहिएगा, आपको सारा कंगारू खिलाड़ियों के बारे में विश्लेषण पता चल जाएगा और ये समझने में भी आ जाएगा कि किनके ऊपर बहुत लंबी और अच्छी खासी बोली लगने वाली है। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए आइए देख लेते हैं कि पहले इस ऑक्शन टेबल पर कितने कंगारू खिलाड़ी मौजूद हैं और उनका बेस प्राइस क्या है। ये आपके स्क्रीन पर आ गया, टोटल 20 कंगारू खिलाड़ियों की बोली लगने वाली है और बेस प्राइस इस तरीके से, सीने बोर्ड 2 करोड़, मिचेल स्टार 2 करोड़, जॉस हेजलवुड 2 करोड़, जॉस इंग्लिश 2 करोड़, पैट कमिंस 2 करोड़, स्टीव स्मिथ 2 करोड़, ट्रेविस हेड 2 करोड़, जाय रिचर्डसन 1.5, डेनियल सैम्स 1.5, एस्टन एगर 1.5 करोड़, ये बेस प्राइस है। रेले मेरेडिथ 1 करोड़, एस्टन टर्नर 1, बिली सटलांके 75 लाख, लैंस मोरिस 75, स्पेंसर जॉनसन 50, बेन डॉर्साइज 50 लाख, बेन कटिंग 50 लाख, वेस्ले अगर 50, विलियम सेल्जमैन 20 लाख, जेक फ्रेसर मैकगर्क 20 लाख। तो ये टोटल 20 खिलाड़ियों की सूची है जो कि ऑक्शन टेबल पर जाएंगे और इनका बेस प्राइस कुछ इस तरीके से जो हमने डिस्कस कर लिया। अब बहुत विलंब न करते हुए आइए देख लेते हैं वो कौन से 5 खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर हाथ धोकर जिनके पीछे सभी की सभी 10 टीमें पढ़ने वाली है और उनकी बोली काफी लंबी लगने वाली है। तो सबसे पहले और सबसे बड़े खिलाड़ी की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान पैट कमिंस। पैट कमिंस ने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलियन टीम को ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जिताया था और इनकी कप्तानी की बहुत चर्चा हो रही है। सिर्फ इनकी कप्तानी की ही नहीं बल्कि इनकी गेंदबाजी और चतुराई भरी बल्लेबाजी की भी चर्चा बहुत तेज है और जिस कारण इनकी बोली बहुत ज्यादा लगने वाली है, क्योंकि हर फरमौला खिलाड़ियों की जो लड़ाई होती है वो बड़ी होती है और 4-5 टीमें एक ही खिलाड़ी के पीछे पड़ जाती हैं, जिस कारण उनका जो दाम होता है वो बहुत बढ़ जाता है। और उस कैटेगरी में सबसे बड़े नाम पैट कमिंस है जिनके पीछे बहुत बड़ी बोली लगने वाली है, क्योंकि इनके पास गेंदबाजी करने का अनुभव है, विपरीत परिस्थितियों में दबाव में अच्छी खासी गेंदबाजी और जरूरत पड़ने पर अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो गुजरात टाइटंस, आरसीबी, बड़ी बड़ी टीमें जिनके टीम में लूपहोल्स बचे हुए हैं वो इनके पीछे जा सकते हैं और अपने नाम करने का प्रयास कर सकते हैं। अब आते हैं अगर हम दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो इनका नाम है भैया मिचेल स्टार्क। इनका खूब बोलबाला होने वाला इस ऑक्शन टेबल पर, गेंदबाजी करते हैं, डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट हैं और आईपीएल में कहर बरपाते हुए नजर आते हैं और जिस वजह से इनका डिमांड बहुत होने वाला है। तो 2 करोड़ इनका भी बेस प्राइस है और खूब अमाउंट ये लेकर जाने वाले हैं। जिन टीमों में गेंदबाजों की कमी है वो टीम इनको अपने नाम करने का प्रयास करने वाली है, क्योंकि इनके आने से अनुभव भी जुड़ने वाला है, प्लस डेथ ओवर गेंदबाजी काफी मजबूत और सुदृढ़ उस टीम की हो जाएगी। तो मिचेल स्टार्क भी प्लेयर टू वॉच आउट में। अगर हम तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो इनका नाम ट्रेविस हेड है। आपको भी पता है ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के ये सबसे खतरनाक खिलाड़ी थे और इन्होंने अपने दम पर भारतीय टीम से फाइनल छीना था, जिस कारण से इनकी चर्चाएं हर जगह हो रही है।
सबसे खास बात ये सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि गेंदबाजी में भी अच्छी खासी गेंदबाजी कर सकते हैं, अच्छा खासा योगदान दे सकते हैं, जिस कारण इनका जो वैल्यू है वो बढ़ चुका है और ये शायद ऑक्शन टेबल पर सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हो सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग बल्लेबाजी, कुछ ओवर की गेंदबाजी प्लस फील्डिंग, तो हर प्रारूप में ये सबसे बेहतरीन खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी की टीम की भी इनके ऊपर नजर है, सीएसके टीम इनके अपने टीम में झोली में डाल सकती है, सिर्फ सीएसके ही नहीं बल्कि बाकी टीमें भी इनको अपने झोली में डालने का भरसक प्रयास करने वाली है। सनराइजर हैदराबाद जिसने हैरी ब्रुक को रिलीज किया है वो ट्रेविस हेड के साथ जा सकती है और अच्छा खासा बोली इनके ऊपर लगा सकती है। अगर हम बात करें अपने चौथे खिलाड़ी की तो इनका नाम है भैया झाय रिचर्डसन, 1.5 करोड़ इनका बेस प्राइस है, डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट ये माने जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम के अच्छे खासे गेंदबाज हैं, इनके ऊपर भी बहुत बड़ी बोली नहीं लगेगी ये, लेकिन ये भी प्लेयर्स टू वॉच आउट रहेंगे और अच्छा खासा अमाउंट ये भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें पांचवें खिलाड़ी की तो जॉस हेजलवुड, हालांकि इनका नाम मुझे पहले ही सूची में डाल देना चाहिए था लेकिन इनके साथ एक लिमिटेशन आ गया, लिमिटेशन ये है कि हाफ ऑफ द टूर्नामेंट ये नहीं खेलेंगे और पहले हाफ के बाद दूसरे हाफ में उपलब्ध रहेंगे, जिस वजह से जो इनकी बोली है वो थोड़ी सी कंप्रोमाइज हो जाएगी और जिस वजह से मैंने इनको पांचवें स्थान पर शामिल किया है, अदरवाइज ये पहले स्थान वाले गेंदबाज थे क्योंकि इनके ऊपर तो टीमें टूट पड़ेंगी, आरसीबी भी खुद इनके ऊपर बोली लगाएगी और इस वजह से इनको रिलीज किया है कि हाफ ऑफ द टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे तो इनकी बोली कम हो सकती है ऑक्शन टेबल पे, इनका दाम कम हो सकता है और ये आरसीबी सस्ते दामों में इनको ले सकती है। सिर्फ आरसीबी नहीं बड़ी बड़ी दिग्गज टीमें, खुद चेन्नई सुपर किंग्स भी इनको अपने नाम करने का प्रयास करेगी क्योंकि सीएसके में तेज गेंदबाजी विभाग में कोई भी अनुभव नहीं मौजूद है तो उस अनुभव का लेने का प्रयास करेंगे, तो इनके पीछे बड़ी बड़ी टीमें जाने वाली हैं और ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये कितने बोली में जाते हैं क्योंकि हाफ ऑफ द आईपीएल नहीं खेलेंगे जिस वजह से थोड़ी सी इनकी बोली में कमी जरूर आएगी मगर फिर भी ये अच्छा खासा अमाउंट अट्रैक्ट करेंगे। तो ये खिलाड़ी हैं जो जिनके ऊपर बड़ी बोली लगने वाली है, लेकिन अन्य खिलाड़ियों की बात करें जिनके हाथों निराशा लगेगी उसमें सबसे बड़े खिलाड़ी हैं स्टीव स्मिथ, ये अब शायद ही ऑक्शन टेबल पर बिकते हुए नजर आए, अनसोल्ड के कैटेगरी में भी जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जॉस इंग्लिश, इनको आशाएं होंगी लेकिन शायद ये उतने दामों में न बिके और इनके ऊपर उतनी बोली न लगे। उसके अलावा बात करें डेनियल सैम्स की भी उतनी बोली नहीं लगने वाली है, मुंबई से इन्होंने प्रभावित नहीं किया था। एस्टन एगर के भी हाथों निराशा लगेगी, टर्नर सटलांके लैंस मोरी स्पेंसर जॉनसन बेन डॉर्साइस बेन कटिंग इन सभी का जमाना खत्म हो चुका है और इनके ऊपर कुछ भी बोली नहीं लगने वाला है क्योंकि मात्र 77 खिलाड़ियों को खरीदना है, जिस वजह से ये जो खिलाड़ी हैं वेस्ले अगर विलियम सेल्जमैन जेक फ्रासर मैकगर्क ये सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए यहां पर शामिल है, इनके ऊपर कोई भी शायद बोली न लगे और इसमें जो सबसे बड़ा सेटबैक होगा वो स्टीव स्मिथ जॉस इंग्लिश के रूप में होगा क्योंकि इन दो खिलाड़ियों ने बहुत छाप छोड़ा है, मगर अब इनका समय खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, खासकर स्टीव स्मिथ अब आईपीएल में शायद ही बिकते हुए आपको नजर आए। तो ये पूरा रिपोर्ट था, हमने देख लिया वो पांच कौन से कंगारू खिलाड़ी जिनके ऊपर बोली लग सकती है और ये भी देख लिया किन खिलाड़ियों के हाथों निराशा लगेगी। तो आज के अपनी इस रिपोर्ट में बस इतना ही, आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।